हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के बारे में कि जो कुंभ राशि के जातक है उनके लिए आज का दिन इंडस्ट्री के लिए, व्यापार के लिए, नए कार्य के लिए कैसा है, रोग और शत्रुओं की क्या स्थिति रहेगी, राजनीतिक स्थिति क्या रहेगी, माली हालत कैसा रहेगा, ये सब बताएंगे। और संतान सुख है या संतान से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, सब बताएंगे। भाई बहन से क्या रिश्ता रहेगा, पड़ोसियों से कैसे संबंध रहेंगे और आर्थिक क्षेत्र में किया गया कार्य कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, सारी बात आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आज आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है भी बताएंगे। आपको सावधानियां क्या बरतनी, उपाय क्या करना है, ये सारी बात आज हम आपको बताएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा था, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जाएं, अपना नाम लिखें, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव का है। आज आपके सामने तमाम चैलेंजेज आ सकते हैं, चुनौतियाँ आ सकती हैं, आज आपकी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। चूँकि शनि के साढ़े साथी होने के नाते आपको बेवजह तनाव हो सकता है, विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, कोई भी नए तरह के कार्य करने की प्लान करेंगे तो उसमें दिक्कतें आ सकती है। और ये ध्यान रखना है कि बहुत ऐसे लोग आपसे मिलेंगे जो आपसे साझेदारी में व्यापार करने की योजना बनाएंगे, तो किसी भी अज्ञात व्यक्ति से कोई भी प्लान इंडस्ट्री के लिए या नए कार्य के लिए नहीं करना है, नहीं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। और कोई भी नया कार्य या गंभीर विषय पर चिंतन मंथन करना या गंभीर विषय पर को लेकर के कार्य करना है तो उसमें अपने गुरुजन, माता पिता जो आपके वेलविशर हैं, बड़े भ्राता हैं या जो भी आपके शुभचिंतक हैं, उनकी सलाह दो बार, तीन बार, सेकंड थर्ड एडवाइस लेके ही कार्य की शुरुआत करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। थोड़ा आज आपको मानसिक रूप से तनाव महसूस करेंगे, उद्विग्न महसूस करेंगे, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ वेल्थ को लेकर के भी सचेत रहने की आवश्यकता है। और रोग और शत्रु परास्त होंगे। यदि आपने कोई प्लान कर रखा है विदेश यात्रा के लिए तभी उसको स्थगित करें, विदेश यात्रा में आपका हेल्थ दिक्कत हो सकती है। आयात निर्यात का अगर कोई व्यापार करने की प्लान कर रखें तो उसको भी अभी रोकने की जरूरत है क्योंकि प्रतिकूलता लिए हुए है। संततियों से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, भाई बहन परिवार में आज आपकी अनुकूलता लिए हुए है, सारे लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, लोग आपके दुख में मतलब एकदम खड़े रहेंगे, साथ देंगे और आपकी पूरी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपके कुछ पुराने मित्र भी होंगे जो आपकी परेशानी जानकर आपके लिए खड़े रहेंगे, तो आपकी परेशानियां दूर होंगी, केवल तनाव हो सकता है, इससे थोड़ा बचने की जरूरत है। और पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता समाप्त होगी, पत्नी को नौकरी मिल सकती है। और अपने अतींद्रिय ज्ञान की बात माने, आप किसी चीज को समझ जाते हैं तो उसको इग्नोर न करें। और हेल्थ को लेकर के भी सचेत रहने की जरूरत है। आज आपको उपाय क्या करना, सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको सावधानी ये बरतनी है कि रोग और शत्रु को एकदम हल्के में न ले, उस पर बहुत ही केयरफुल रहें। और जो भी थ्रेट है, चैलेंजेज है, तो चैलेंजेज को स्वीकार करके धैर्य के साथ आगे बढ़ें। और आज आपको उपाय क्या करना है, उपाय में करना कि ओम संग सनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना है, सरसों के तेल का दिया जलावें, दीपक जलावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। गरीबों की जरूर मदद करें। और आज आपके लिए शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है काला। हरे कृष्ण।